गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में मैं कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए हनी सूकल पाठ्य पुस्तक से लेसन 1, इसका नाम है लेसन टू जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। लेसन कौन सा है? सेकेंड। नाम हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, इसका पार्ट सेकेंड आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो पैराग्राफ 6 से 10 तक है। 1 से 5 तक में, पहले खंड में मैंने आपको 1 से 5 तक का अध्ययन करवाया। आज के पार्ट में मैं 6 से 10 तक के पैराग्राफ का अध्ययन आपको करवाऊँगा। तो देखिए, सबसे पहली बात कि इसकी बर्ड्स मीनिंग्स आपके सामने, हर्ड में झुंड, स्टॉप है रुकी, हर्ड एक झुंड होता है, स्टॉप रुकी, टेरिबल भयानक, मोइन रवाना, पैनिक भय, डायरेक्शंस दिशाएं, ट्रबल कठिनाई, अर्थ मीन्स पृथ्वी। इसके बाद बिहाइंड मीन्स पीछे, हेस्टली तेजी से, डीपर अधिक सघन, फॉरेस्ट में जंगल, रूल्स शासन करता है, स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ताकतवर, बीस्ट जंगली जानवर, रॉन्ग मिस गलत, फेथफुल्ली निष्ठापूर्वक, गुड बाई मिस अलविदा, एग्री सहमत हुआ, कंप्लेन मिस शिकायत, डेयर हिम्मत रखना, क्लिक मिस चट्टान, एमिड मध्य में, रॉर दहाड़ना, क्वाइटली चुपचाप, हैपन घटित हुआ। ये हमारी वर्ड्स मीनिंग्स थी। आप सभी इन वर्ड्स मीनिंग्स को लिख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी लिया जा सकता है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे इनको बाद में लिखा जा सकता है और हम इनको याद कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से कुत्ता कमजोर और डरपोक था, वो अपना नया ऐसे व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त करना चाहता था जिससे उसको भोजन मिल सके और उसको सहारा मिल सके। तो सबसे पहले भेड़िया मिलता है, वो सोचता है मुझे ऐसा व्यक्ति या जानवर मिले जो सबसे ताकतवर हो। तो इस प्रयास में सबसे पहले भेड़िया मिलता है, तो भेड़िए को अपना मालिक बनाता है। लेकिन भेड़िया जो है भालू से डरता है, तो सोचता है भालू को अपना दोस्त बनाया जाए, ताकि क्योंकि भालू ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए उसने भेड़िए को छोड़ दिया और भालू को अपना दोस्त बनाया। लेकिन बाद में पता चला कि भालू भी डरता है, तो फिर उसने किसी और को दोस्त बनाने के लिए सोचा। तो अब इस पार्ट में आगे बढ़ते हैं कि उसे पता चला कि भालू भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर है, तो उसने भेड़िए के स्थान पर भालू का संरक्षण लेने का प्रयास किया, उसकी सेवा करने का। भालू इसके सहमत हो गया और वे दोनों साथ साथ जंगल में चलने लगे। किसके लिए गए थे? गाय का शिकार करने के लिए गए। भालू ने कहा, लेट अस गो एंड फाउंड ए हर्ड ऑफ काउज, हमें चलना चाहिए और गायों का एक झुंड ढूंढना चाहिए। आई विल किल ए काउ
एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और फिर दोनों हम अपना पेट भरेंगे। यहां तक मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था। अब सभी स्टूडेंट्स अपने पाठ्य पुस्तक का पेज क्रमांक 19 खोल लें, जो पैराग्राफ 6 से प्रारंभ हो रहे हैं, जो मैं ट्रांसलेशन करने जा रहा हूं। तो दे वॉक ऑन, वे चलने लगे, एंड सून सा आई हर्ड ऑफ काउज, तो सून शीघ्र ही सा ए हर्ड ऑफ काउज, उसने गायों का एक झुंड देखा। हर्ड ऑफ काउज गायों का एक झुंड देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम, तो एज दे वर अबाउट टू कम अप, जैसी वो लगभग वहां पहुंचने वाले थे, दे वर स्टॉप्ड बाई ए टेरिबल नॉइज, एक भयानक आवाज के कारण वे दोनों रुक गए। कौन कौन? भालू और कुत्ता। द काउज वर मूइंग लाउडली, गायें क्या कर रही थी? जोर जोर से रोवा रही थी। एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, और डर के मारे चारों तरफ चारों दिशाओं में दौड़ रही थी। गायें भी भयभीत थी तो वो भी दौड़ रही थी। तो इस आवाज को सुनकर वे दोनों रुक गए। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, तो बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, भालू ने पेड़ के पीछे से देखा। भालू ने पेड़ के पीछे से देखा। एंड देन ही टू रेन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और तब वह भी घने जंगल में दौड़कर चला गया। वो भी डर गया तो वो भी दौड़कर जंगल में भाग गया। हेस्टली होता है फुर्ती से। नाउ अब वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, तो वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, अब मुझे यहां क्यों रुकना चाहिए, मैं यहां पर क्यों आया। कुत्ता सोच रहा है। सेड ही टू द डॉग, उसने कुत्ते से कहा। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, मुझे यहां पर क्यों आना चाहिए। इट इज द लॉयन, यह शेर है। हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, जो जंगल के इन भागों में शासन करता है। देखो शेर आ रहा है और यहाँ का राजा है ये, तो हमें यहाँ क्यों आना चाहिए, चलो यहाँ से। इसलिए वो डर के मारे भाग गए। द लॉयन शेर, हु इज ही, वह कौन है, शेर कौन है? डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते? ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, क्या तुम नहीं जानते? भालू ने कहा, वह इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ताकतवर प्राणी है, मेरे से भी ज्यादा है। वेल देन आई विल से गुड बाई टू यू, अच्छा तो तब तो मुझे तुमसे अलविदा लेनी चाहिए। कुत्ते ने कहा भालू से, भालू मुझे तुमसे विदा लेनी चाहिए। आई वांट ए मास्टर, मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूं, हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ताकतवर हो, जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, वो इस प्रकार से कुत्ता शेर के पास अपना मालिक बनाने के लिए गया। वो शेर को अपना मालिक बनाना चाहता था। द लॉयन एग्री टू इट, शेर भी इससे सहमत हो गया।
एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और कुत्ता उसके साथ रुका। स्टेड विद हिम एंड सर्व हिम फॉर ए लॉन्ग, और लंबे समय तक उसकी सेवा करता रहा। कुत्ता वो शेर के पास रहता था, लंबे समय तक उसकी सेवा करता रहा। इट वॉज ए गुड लाइफ, क्या बताया, इट वॉज ए गुड लाइफ, यह एक अच्छा जीवन था। शेर के साथ रहना उसके लिए अच्छा जीवन था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसको किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी, कुत्ते कोई शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, तो देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, क्योंकि वो जानता था कि शेर से ज्यादा ताकतवर जानवर इस जंगल में कोई नहीं था। एंड नो वन डेयर्ड, और किसी की हिम्मत नहीं थी, टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, कुत्ते को टच करने की और किसी प्रकार से उसे नुकसान पहुंचाने की किसी जानवर हिम्मत नहीं थी, तो सब शेर से डरते थे और वो शेर उसका कौन था मालिक। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलोंग ए पाथ, लेकिन एक दिन वे दोनों ही उस जंगल के रास्ते से घूम रहे थे। जंगल के उस रास्ते से क्या है, घूम रहे थे साइड बाई साइड अलोंग ए पाथ, जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। देट रेन एमिड बेयर क्लिफ्स, जो बेयर क्लिफ नग्न चट्टानों के बीच में जा रहा था, जंगल का रास्ता नग्न चट्टानों के बीच में होके जा रहा था, बेयर क्लिफ्स। वेन ऑल ऑफ ए सडन द लॉयन स्टॉप, तभी अचानक शेर रुक गया। ऑल ऑफ ए सडन द लॉयन स्टॉप, शेर रुका। ही गेव ए ग्रेट रोर, तो ही गेव ए ग्रेट रोर, उसने जोर से दहाड़ लगाई। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, और जमीन पर जोर से पंजा रखा। विद हिज पा एंड सच फोर्स, इतनी ताकत से उसका पैर जमीन पर रखा। दैट ए होल फॉर्म देयर, जिस जगह पर उसने पैर रखा था उस जगह पर गड्ढा हो गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और तब चुपचाप पीछे मुड़कर उसने जाना प्रारंभ कर दिया। वो भी डर गया, किसी ने किसी को देख लिया उसने और वो सामने वाले से डर गया। व्हाट इज इट मास्टर, अरे मालिक ये क्या है, व्हाट इज इट, क्या है ये, इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कोई गलत है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। आज द डॉग सरप्राइज, कुत्ते ने चकित होते पूछा कि क्या कोई गलत हुआ है। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, तो आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, मुझे इस रास्ते से किसी आदमी की गंध आ रही है। क्या बताया, किसी आदमी की मुझे क्या है, गंध आ रही है। कमिंग दिस वे द लॉयन सेड, शेर ने कहा, वी हैड बेटर रन ऑफ फॉर इट, हमें यहां से भागना चाहिए, और वी विल बी इन ट्रबल, तो और वी विल बी इन ट्रबल, हम परेशानी में हो जाएंगे, लेकिन हमें यहां से भागना चाहिए, अन्यथा हमें कोई ना कोई परेशानी हो जाएगी। ओ वेल, अरे अच्छा, देन आई विल से गुड बाई टू यू, तो मैं तुमसे विदा लेता हूं, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे विदा लेता हूं। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन और अर्थ, मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूं
जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ताकतवर हो। तो आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ताकतवर है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन, और इस प्रकार से कुत्ता आदमी के पास चला गया, उसे अपना मालिक बना लिया। एंड ही स्टेड विद हिम, उसके साथ रुका। ही स्टेड विद हिम एंड सर्व हिम फेथफुली, और निष्ठापूर्वक उसने उसकी सेवा की। सर्व हिम फेथफुली, स्वामी निष्ठापूर्वक उसने उसकी सेवा की। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो, तो दिस हैपन ऐसा लंबे समय पहले हुआ। बट टू दिस डे, अब भी आज के दिन भी, द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, जो आज भी माना जाता है कि कुत्ता एक व्यक्ति का सबसे वफादार सेवक होता है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और वे किसी दूसरे मालिक को नहीं जानते। ये कुत्ता केवल मनुष्य की ही सेवा करता है और मनुष्य का ही सबसे वफादार सेवक माना जाता है, क्योंकि मनुष्य ही इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ताकतवर प्राणी होता है। इसलिए उसने मनुष्य की अपना स्वामी बनाया, उसकी सेवा की, उसके संरक्षण में रहा। इस बिंदु पर आकर मेरा ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में अगले बिंदु के साथ फिर मैं आपके सामने रहूंगा, और इसी सेकंड पार्ट के साथ हमारा लेसन टू कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में लेसन थ्री, तीसरा पार्ट, उसके साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक्स।